नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रावत जाति का इतिहास क्या था और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, रावत एक भारतीय सामाजिक समुदाय और उपनाम है। इसके मिलते हुए कुछ और उपनाम आपको मिल जाएंगे, जैसा कि आपने सुना होगा राउत, राहुल या रावल। सामान्यतः रावत का मतलब है राजा या राजकुमार। हम कह सकते हैं यह राजा या राजकुमार का एक समानार्थी शब्द है, और यह भी माना जाता है कि यह एक प्रकार का टाइटल या जिसे हम कहते हैं उपाधि। पुराने समय में वीरता के सम्मान में राजाओं को यह उपाधि दी जाती थी, जिसे वंश परंपरा के लिए नाम के आगे लिखने का प्रचलन हो गया, तो लोग अपने नाम के आगे रावत लगाने लगे। तो रावत उपनाम वाले लोग मुख्यतः राजस्थान में संकेंद्रित हैं, हालांकि मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इनकी बहुत संख्या पाई जाती है, और उत्तराखंड के समीपवर्ती देश जो है नेपाल तक इनका विस्तार भी है। और रावत प्राचीन समय से ही महान योद्धा हुआ करते थे, और इनका दर्जा राजा के बाद माना जाता था। तो राजा के बाद सबसे ज़्यादा पूजनीय स्थान रावतों का होता था, और यह अपने शौर्य, पराक्रम और वीरता के कारण दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिया करते थे। तो इसलिए हर रावत से उनका दुश्मन काफ़ी खौफ खाता था, और कोई भी रावत राजपूतों को आज तक अपना गुलाम नहीं बना पाया था। अंग्रेज़ों ने भी रावत राजाओं के सामने घुटने टेक दिए थे, और अंग्रेज़ों को भी हार का सामना करना पड़ा था, जिससे रावत ही एकमात्र भारत की स्वतंत्र जाति रह गई थी। आइए बात करते हैं रावतों के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में। तो मुख्यतः राजस्थान और उत्तराखंड का सामाजिक समुदाय माना जाता है रावत को, जहां इनकी सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रित है, और रावत जमीन, कृषि और सेना से जुड़े रहते हैं। तो मुख्यतः ये लोग अपने अधिकतम जो समाज के लोग हैं वह कृषि कार्य करते हैं, या अपने व्यवसाय करते हैं, या देश की सेना में अपनी सेवा देते हैं। तो ये एक जानकारी हमने जुटाई आपके लिए विकिपीडिया से, तो आप वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं, हम आपको लिंक भी देंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की जानकारी हम जुटा के आपके लिए और वीडियो बना के लाएँ। तो थैंक यू वेरी मच।